नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आरआईएमसी की तरफ से, नंबर ऑफ वैकेंसीज या नंबर ऑफ सीट्स स्टेट वाइज या यूटी वाइज अब आ चुकी है। पेरेंट्स पूछते थे कि सर क्या सीट है स्टेट से बच्चे की, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआईएमसी की तरफ से आ चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत रिलीफ भी पेरेंट्स को मिलेगा क्योंकि वो अवेयर होंगे कि कितनी सीट्स उनके स्टेट से है रिस्पेक्टिवली। ओके, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, यूटीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, और यूपी से कितनी सीट्स हैं उसमें भी कन्फ्यूजन रहता था, ठीक है, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब ऑफिशियल सीट्स आ चुकी हैं कि कितनी हैं, और ये तो सारी बॉयज़ कैंडिडेट्स की हैं। अभी बात हम लोग गर्ल्स की भी करेंगे जो कि जोन वाइज है, ठीक है, एक जोन में कितने स्टेट्स हैं उनकी भी बात करते हैं। तो आइए, अब ये सारे आपको स्टेट्स दिए हैं, मैं एक एक करके आपको सीट्स बताता हूँ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो बच्चे, आप देखिए एक और बड़ा बदलाव आरएमसी ने किया है, एक बड़ा प्रोमिनेंट चेंज लेकर आए हैं। वैसे तो आरएमसी में इनटेक हमेशा 25 स्टूडेंट्स का होता था, लेकिन अब 36 स्टूडेंट्स का होगा, 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब वैसे बच्चे यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 36 आप स्टेट्स बोल सकते हो। और 36 स्टेट्स का मतलब है सर अब हर स्टेट से क्या एक सीट है, हर यूटी से क्या एक सीट है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर दो सीट्स भी उनको अलॉट हुई है और कुछ यूटीज़ हैं जिनको कंबाइंड मिलाकर एक सीट है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आते हैं, आंध्र प्रदेश की एक सीट है, ठीक है, ओके। अरुणाचल प्रदेश की एक सीट है, बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और अरुणाचल में से अगर एक बच्चा निकलता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है अगर वो मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है। सेम गोज़ फॉर असम, असम से भी एक सीट है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था, हम सोचते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सभी सेवन सिस्टर्स को मिलाकर एक सीट होगी, बट ऐसा नहीं है। बात करें अगर बिहार की, बिहार की भी एक सीट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है क्योंकि पॉपुलेशन बिहार की भी कोई कम नहीं है और पोटेंशियल बहुत है बिहार से, तो काफ़ी बच्चे निकलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूँ एक सीट है, दिल्ली की बात करूँ एक सीट है, गोवा की बात करूँ एक सीट है। देखिए बड़े अच्छे स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ से अगर बच्चा दे, खासकर गोवा से, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो गोवा से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अगर एक बच्चा भी निकला तो उसका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टेट वाइज कोटा इसमें भरा जाता है, स्टेट से एक एक सीट बन जाए, उसके बाद देखा जाता है कि कितने सीट्स वैकेंट हैं, फिर एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट देखी जाती है। गुजरात से भी एक सीट है, हरियाणा से भी, देर इज़ ओनली वन सीट फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। तो एक एक सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, गुजरात तक हम आ गए थे, हरियाणा से स्टार्ट कर लेते हैं। हरियाणा की एक सीट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एक सीट है, जम्मू एंड कश्मीर की एक सीट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसकी एक सीट है, झारखंड की एक सीट है, कर्नाटका की एक सीट है, केरला की एक सीट है, मध्य प्रदेश की एक सीट है, महाराष्ट्र की दो सीट है। बनता भी है क्योंकि महाराष्ट्र से आप देखना कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो भी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स, कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा है। सो दो सीट्स महाराष्ट्र को देखने को मिल रही है यहाँ पर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की सिंगल सीट है, बहुत अच्छी बात है, मणिपुर से एक बच्चा अगर, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुझे लगा है कि ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक एक सीट मिली है। मेघालय की एक सीट है, मिजोरम की एक सीट है, नागालैंड की एक सीट है, ठीक है, तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं सबको एक एक सीट दे रखी है। उसके बाद अगर हम आए उड़ीसा, उड़ीसा देर इज़ वन सीट, पंजाब की एक सीट है, राजस्थान की एक सीट है, सिक्किम की एक सीट है, तमिलनाडु, अगेन तमिलनाडु, अगेन पॉपुलेशन वाइज तमिलनाडु में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है इसलिए तमिलनाडु को भी दो सीट्स दी हैं, तेलंगाना एक सीट है, त्रिपुरा एक सीट है, यूपी की तीन सीट्स हैं, यूपी में पॉपुलेशन इज़ नियरली 20 करोड़, इसलिए तीन सीट्स हैं यूपी की, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी वालों के लिए बड़ी अच्छी राहत है कि तीन सीट्स तो ऑफिशियल हैं, यूपी से तीन बच्चे तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड से एक सीट है, थोड़ा उत्तराखंड के लोग थोड़ा सा मायूस फील कर रहे होंगे, एक ही सीट है उत्तराखंड से चलिए, लेकिन कंफर्म तो हो गया ना, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को ये डाउट था कि नहीं सर उत्तराखंड से दो सीटें हैं, ऐसा नहीं है, एक सीट है ऑफिशियली। और फिर वेस्ट बंगाल से भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी डेंसली पॉपुलेटेड है और इसलिए यहाँ से भी दो सीट्स हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ यूटीज़ की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू यूटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर यूटीज़ में क्या है, कुछ यूटीज़ हैं जिनकी कंबाइंडली एक सीट है, ठीक है, तो इसमें है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, तो एक ही यूटी है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सबको मिलाकर एक सीट है। तो जो टोटल सीट्स हो रही हैं अब 36 हो रही हैं, टोटल 36 सीट्स नाउ, पहले 25 हुआ करती थी,
अब 36 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स को और बच्चों को मालूम हो कि नाउ देर आर 36 सीट्स, ठीक है। 36 बच्चों का इनटेक होगा हर एक सेशन में। उसके बाद अगर मैं आपको बॉयज़ की तो मैंने डिस्कस कर लिया, अगर हम बात करें गर्ल्स की, लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स नाउ। अगर मैं आपको जोन वाइज गर्ल्स की सीट्स बताऊं तो गर्ल्स की सीट्स भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। तो फुल स्क्रीन कर देते हैं, ओके। जोन वाइज गर्ल्स की सीट्स व्यू में किया, फुल स्क्रीन किया, व्यू फुल स्क्रीन और क्लोज, अब होगा शायद व्यू फुल स्क्रीन, ठीक है, ओके। गर्ल्स की सीट देख लेते हैं, गर्ल्स की सीट 5 ही हैं, ठीक है। गर्ल्स की सीट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और एक एक सीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जोन वाइज हैं गर्ल्स की, एक एक सीट है जोन वाइज। तो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन पे देखिए कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो नाइंसाफी है सरासर गर्ल्स के साथ, ऐसा नहीं है। अभी बहुत कम गर्ल्स हैं जो अवेयर हैं आरएमसी के लिए, तो कंपैरेटिवली टू बॉयज़ गर्ल्स कम अप्लाई करती हैं। तो कंपटीशन मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कों के लिए ज़्यादा सीट्स हैं लड़कियों के लिए कम है, कॉम्पिटिशन सेम है। मैं तो कहूँगा अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कम गर्ल्स अप्लाई कर रही हैं। अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करूँ तो नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो नॉर्थ जोन में है हमारे लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इसमें कुछ यूटीज़ भी हैं और कुछ स्टेट्स हैं। ये पूरा नॉर्थ जोन है और इस पूरे नॉर्थ जोन से एक सीट है, इट इज़ ओनली वन सीट फ्रॉम दिस, एक ही नॉर्थ जोन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग साउथ जोन की तरफ, लेट्स कम टू साउथ जोन। और साउथ जोन में आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, कुछ यूटीज भी हैं। और साउथ जोन की भी एक सीट है, टोटल 5 जोन से इन्होंने बना रखे हैं, तो 5 सीट्स हैं ऑल इंडिया गर्ल्स की, ठीक है। आते हैं ईस्ट जोन की तरफ, लेट्स कम टू ईस्ट जोन। तीसरा जो जोन है वो ईस्ट जोन है, इसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और इसमें है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय की स्पेलिंग गलत कर रखी है इन्होंने, और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये ईस्ट जोन है, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और इससे भी एक सीट है। और उसके बाद वेस्ट जोन की अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट जोन में महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये आपके एक यूटी भी है। सारे वेस्ट जोन्स की भी एक सीट है। और फाइनली अगर मैं बात करूँ सेंट्रल जोन, विच इज़ द लास्ट जोन, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो इसमें कम स्टेट्स हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता ही उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, ये 4 स्टेट्स हैं और सेंट्रल जोन की भी एक सीट है। सो देर आर टोटल 5 सीट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें अब क्या इनटेक रहेगा आरएमसी में, द इनटेक विल बी 36 बॉयज़ प्लस 5 गर्ल्स, ठीक है। 36 बॉयज़ प्लस 5 गर्ल्स, पहले क्या इनटेक रहता था, पहले थे 25 बॉयज़ प्लस 5 गर्ल्स, ठीक है। पहले 30 का इनटेक था, अब 41 का इनटेक है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आरएमसी की तरफ से हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करना ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आरएमसी के वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा। आरएमसी की वेबसाइट है rmc.gov.in, और आप डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी की भी वेबसाइट देख सकते हैं, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन डाला है। हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ defenseofficersacademy.in, defenseofficersacademy.in। आप डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी गूगल में सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।